फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पेट कम करने की सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी एक्सरसाइज जिसको अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपका पेट बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। कितना ही पेट पर फैट है, कितना ही आपकी मोटी तोंद बाहर निकल गई है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं इस अकेली एक्सरसाइज को, तो हो ही नहीं सकता है कि आपका पेट कम ना हो। अगर आप भी बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप बहुत सारे अलग अलग झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ये अकेली एक्सरसाइज है उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं ना, मैम पेट को कम करने की सिर्फ और सिर्फ कोई एक सरल सी एक्सरसाइज बता दीजिए, बस हम उसी को कर लेंगे, बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज मत बताइए। तो आज मैं आपको इस एक अकेली एक्सरसाइज को बता रही हूँ, आप इसको अच्छे से फॉलो कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा सा बताती हूँ मैं आपको इस एक्सरसाइज को। आप लोगों ने बहुत बार इस एक्सरसाइज को देखा होगा, किया भी होगा, लेकिन इसको हम बिल्कुल अलग टेक्निक से करेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो इसके हैं 4 से लेकर 5 सेट और पूरे आपको 4-5 सेट इसके करने हैं। एक्सरसाइज सिर्फ एक ही है। तो जो पहला स्टेप है वो आपको कैसे करना है, अपने बेड या फिर मैट पर रिलैक्स होकर लेट जाइए इस तरीके से। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को अच्छे से पूरा ऊपर की तरफ उठा लीजिए। ये पहला स्टेप है जो कि बिल्कुल आसान है। तो पहले कैसे करना है हमें इस तरीके से पूरा करेंगे 20 बार। आप मेरे साथ करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, अपने पैरों को नीचे लाएंगे और थोड़ा सा हम रेस्ट लेंगे, गहरी गहरी सांस को लेना है हमें। अब इसका करेंगे हम दूसरा सेट। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने दोनों पैरों को जैसे हमने पहले सेट में उठाया था इस तरीके से उठा लीजिए, और अब इसके हमें जस्ट अपोजिट करना है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पहले हमने इसको जस्ट सीधे पैर से किया था इस तरीके से ताकि आपके पूरे अपर बेली पर इफेक्ट हो, और दूसरे सेट में हमने किया है इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि पैरों को अंदर की तरफ लाते हुए, अपने ब्रेस्ट के पास लाते हुए। ठीक है, रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो अगला सेट है उसको आप अच्छे से कर पाएँ और आपकी बॉडी उसके लिए तैयार हो जाए। हर एक्सरसाइज के सेट के बीच में आपको रेस्ट ज़रूर लेना है और इस दौरान गहरी गहरी सांस लेना है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है यानी कि तीसरा स्टेप है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को आपके जो हिप्स का एरिया है, कमर के नीचे है, उस पर लगा लेंगे। अब ये सेट थोड़ा सा आपके लिए टफ होने वाला है ये स्टेप। अब अपने दोनों पैरों को उठा लीजिए और सिंपल सा फिर हमने क्या करना है, साइकिल साइकिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हमने जब अपने हाथों को हिप्स के नीचे लगा लिया है तो ये जो आपका पेट का हिस्सा है बहुत तेज़ी से टारगेट होने लगेगा। आपको आराम से करना है, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होगा। रिलैक्स हो जाना है, पैरों को सीधा कर लीजिए, गहरी गहरी सांस।
तो अगर आप मेरे साथ कर रहे होंगे तो आपको ज़रूर इसका इफ़ेक्ट महसूस हो रहा होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा, पता चल रहा होगा कि पेट के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उसको हमें कैसे करना है, तो को अपने हिप्स के नीचे लगा लेना है इसके लिए, और इस सेट में हम अपनी गर्दन को भी उठा लेंगे। इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट होगा और आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो कर लेंगे। गर्दन को उठा लिया, हाथों को लगा लिया और पैर को उठाते हुए जस्ट अपोजिट, ठीक है, अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गर्दन उठाने से ये एक्सरसाइज और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है और आपके पेट पर इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। रिलैक्स हो जाएंगे, गहरी गहरी सांसें लेंगे, पेट संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट स्टेप और ये बहुत खास है, इसको आपको जरूर करना है। दोनों हाथों से कोहनी का सपोर्ट लेते हुए इस तरीके से आ जाइए, पैरों को उठा लीजिए और अब करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 हो गया, रुकना नहीं है, जस्ट अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये है हमारी पूरी एक एक्सरसाइज, 5 स्टेप है, एक्सरसाइज एक ही है, बस अलग अलग स्टेप में आपको फॉलो करना है ताकि पूरा आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाए और अच्छे से आपकी एक्सरसाइज है वो हो जाए और आपके पेट पर काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट हो। अब हम सिर्फ एक ही सेट को इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अलग अलग सेट में इसको करना है। तो एक्सरसाइज सिर्फ एक ही है, बस स्टेप हैं और आपको इन पूरे जो हमारे 5 स्टेप हैं आपको अच्छे से फॉलो करना है, और चाहे तो आप इस एक्सरसाइज को एक बार और कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी इस एक एक्सरसाइज को किया है 5 सेट में, आप इस तरीके से एक बार फिर ये पूरा 5 सेट है उसको दोहरा सकते हैं, और अगर आपने ये कर लिया तो हो ही नहीं सकता है कि आपका पेट है वो कम ना हो, पूरी तरीके से आपकी तौंद कितनी ही निकली है बिल्कुल अंदर हो जाएगी। और इस एक्सरसाइज को करने में आपको कोई परेशानी नहीं होती है, बिल्कुल आसान है। तो बस आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने अभी तक लाइक नहीं किया था सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबा